अलैकुम जी, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हैं आप? आज मैं जा रहा हूँ नोवी साद। ओके अभी फ़िलहाल सुबह के जो हैं तकरीबन 6:20 हुए हैं और बारिश वगैरह होके हटी है, अंधेरा अभी भी है। और मैंने जो है यहाँ से निकलना है तकरीबन 7 बजे और जाना है, यहाँ पास में एक होटल है, होटल जैलनगोरा। वहाँ पे मेरे बाकी कलीग्स वगैरह जो हैं वो इंतज़ार कर रहे होंगे मेरा। तो लेट्स सी कि कैसा हमारा ये सफ़र रहता है। तो मिलते हैं आपको रास्ते पे जाते हुए। लो जी, हम निकल आए हैं घर से और फाइनली हम लोग जा रहे हैं अब नवी साद की तरफ। फाइनली जी, मैं होटल पहुंच गया और हमारे जो साथ वाले कलीग्स हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। और होटल जो है ये शहर का पुराना होटल है, इसको कहते हैं होटल जेलन थोड़ा। एंड अभी हम जो हैं वो कोच का वेट कर रहे हैं और बाकी एसआरस का वेट कर रहे हैं। जैसे ही वो होते हैं तो फिर हम बैठेंगे कोच में और हम जाएंगे नवी साद। A few moments later. जी, हम लोग बैठ गए हैं बस में। बस नहीं, छोटी सी कोच है और हमारे साथ हैं मोहम्मद अल अरब। ये हमारे ESR हैं, ये हैं ग्रीस में का होते हैं और इजिप्ट से हैं। सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एज एन ESR इन डी कोड प्रोजेक्ट? एवरीथिंग ओके, आर यू एंजॉयिंग योर स्टे इन सर्बिया? Yeah, but still 3 days for me, so I need to go everywhere in Serbia. I still search about new places and new friends, but all people here are very friendly. You will be here for 4 months, so we welcome you again. Yes, I will come again for 4 months. Okay, thank you very much for your time. See you around thank again. You, my friend, thank you. तो मिलते हैं जी आपको अब नवी साथ जाके। तो तब तक के लिए जरा हम जरा रोड पे फोकस करते हैं। अगेन जी, हम लोग अभी रास्ते में हैं और छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं क्योंकि सोया हुआ था, तकरीबन सारे सो गए थे। बहुत लंबा सफ़र हो गया है और अभी हमने ब्रेक ली है। और ब्रेक के दौरान यहाँ पे चेक करें व्यू, व्यू कमाल का व्यू आ रहा है और मौसम भी बड़ा कमाल का हुआ हुआ है इस वक्त। और साथ ही साथ जो है, जो जिस जगह पर हमने व्यू ब्रेक लिया वो एक पेट्रोल स्टेशन है, हमारी गाड़ी जो है उनके पास खड़ी हुई है। व्यू चेक करें आप, बाकी चीज़ें छोड़ें, सारे पैसे जो है ना वो व्यू के हैं यहाँ पे आने के। ठंड है और ठंड की वजह से जो है ना वो मेरे बाल उड़ रहे हैं। और चलें ठीक है, फिर आपको मिलते हैं जाके हमारे अगले स्टेशन के ऊपर। फाइनली जी, हम लोग पहुँच गए हैं नोवी साद और मैं यहाँ पे नोवी साद में जो हूँ वो कहाँ पे हूँ तो ये आपको बताते हैं। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क है नोवी साद का, यहाँ पर हमारी ट्रेनिंग है। तो उस ट्रेनिंग के सिलसिले में हम लोग जो हैं वो यहाँ पे आए हैं। अभी जो है वो मैं इसी का जो है वो आपको टूर वगैरह जो है वो देंगे साथ में, इफ़ पॉसिबल, क्योंकि मेरा ये माइक जो है इसकी डंडी टूट गई है और वैसे ही हाथ में पकड़ के जो है ना वो मैं व्लॉग वगैरह कर रहा हूँ और वो बड़ा वियर्ड सा हो गया हुआ है। आप वैसे बिल्डिंग चेक करें यूनिवर्सिटी की और इन्वायरमेंट जो है यहाँ पर बड़ा कमाल का है, मज़ेदार सा जो है वो आपको देखने को मिल रहा है। मतलब इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ में तो बंदे का क्यों नहीं दिल करेगा पढ़ने का। तो मिलते हैं जी फिर आपको अंदर, अगर कोई अपडेट होती है नहीं तो वो आपको देते हैं। तब तक के लिए आप ज़रा व्लॉग एंजॉय करें। तो मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क के अंदर इंटर हो गया हूँ और यहाँ पर जो है आपको एक नई सी टेक्नोलॉजी जो है वो चेक करवाते हैं। यहाँ पर फेस ट्रैकिंग का इन्होंने एक काम किया है, वो बड़ा प्यारा सा अच्छा सिस्टम किया है। यहाँ पर आप यहाँ देखें, अगर मोबाइल लगाया हुआ है जो आपकी फेस को ट्रैक करता है और इस तरह से जो एक्सप्रेशन शो कर रहा है, अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे तो वो मुंह मेरा वगैरह ओपन करता है। ये कैसे? क्योंकि ये ट्रैक कर रहा है मेरे फेस को, लाइव फेस को ये ट्रैक कर रहा है। मोबाइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है, बड़ी स्क्रीन के साथ कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर साइंस बहुत ज़्यादा काम जो है वो होता है जो आप कर सकते हैं, मतलब AI के ऊपर या ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर। सर्बिया के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, तो एक इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जो आप यहाँ पर देखने को आपको हर जगह पर तकरीबन मिलेगी, क्योंकि सर्बिया में सॉफ्टवेयर का काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। अभी जो है वो हमारी जितनी भी प्रेजेंटेशन वगैरह थी वो ख़त्म हो गई हैं और सारे के सारे लोग जो हैं वो बाहर आ गए हैं। अभी हम लोग जो हैं वो जा रहे हैं रेस्टोरेंट पे, यहाँ पर हमें जो है वो ड्रिंकिंग शिंकिंग का कुछ करना है इन्होंने। लेकिन अभी जो है वो मैं देखते हैं कि क्या सीन होगा वहाँ पर जाके, ताकि हम जो है खाना पीना भी करें। लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर इन्होंने जो है शराब वगैरह इस्तेमाल करनी है तो हमें अवॉइड करना पड़ेगा। फाइनली जी, कॉकटेल वगैरह होने के बाद हम लोग अभी बाहर आ गए हैं और मेरे पीछे जो है यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद आपको नज़र आएगी। ये है जी यूनिवर्सिटी ऑफ नोवी साद,
जहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी, और अभी जो है वो हम लोग जा रहे हैं सिटी सेंटर में खाना वगैरह डिनर खाने के लिए। तो ये था जी आज का हमारा ब्लॉग है नोवी साद का विज़िट। अगली जो एपिसोड होगी उसके अंदर आपको सिटी टूर जो है वो देंगे। तब तक के लिए आप इस ब्लॉग को एंजॉय करें और मिलते हैं अगले ब्लॉग के अंदर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।